और करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। पुणे टेस्ट में भारत की विराट जीत हुई है और आपको बता दें कि भारत ने एक विराट जीत के साथ इस सीरीज में 2-1 से अपनी 2-0 से अपनी बढ़त बना ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर पुणे टेस्ट में भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। आपको बता दें कि लगातार भारत ने जिस तरह से फॉलो ऑन खिलाया उसके बाद जो गेंदबाजों का योगदान रहा, दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े अंतर से यहां पर हराया भारत की टीम ने। आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका को एक पारी और 137 रन से हराकर टीम इंडिया ने इतिहास रचा पुणे टेस्ट मैच में भारत की ये विराट जीत। और ऐसे में दक्षिण अफ्रीका को पारी और 137 रन से हराना, एक बड़ा अंतर यहां पर टीम इंडिया ने हासिल करते हुए अपनी जीत को सुनिश्चित किया। और आपको बता दें कि कल के दिन थोड़ी असमंजस की स्थिति थी जब ये बात सोची जा रही थी कि क्या फॉलो ऑन खिलाया जाए दक्षिण अफ्रीका को या फिर कुछ और रन बनाकर दूसरी पारी में एक बड़ा टारगेट दिया जाए, लेकिन दोनों ही सूरतों में टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित नजर आ रही थी क्योंकि शुरुआत में ही टीम इंडिया ने अच्छी खासी बढ़त यहां पर बना ली थी। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जो यहां पर करिश्मा करके दिखाया और साथ ही साथ शुरुआत एक अच्छी मिली टीम इंडिया को जिससे कि एक बड़ा और विशाल स्कोर यहां पर बोर्ड पर लगाया जा सका। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों की जिम्मेदारी यहां पर बनी और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए पुणे टेस्ट पर कब्जा कर लिया है एक बड़े अंतर से, यानी एक पारी और 137 रन के बड़े अंतर से टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को यहां पर हरा दिया है। और इस पूरे मामले की लगातार हम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने एक बड़ा अंतर यहां पर पैदा किया, पहले फॉलो ऑन खिलाया साउथ अफ्रीका को और उसके बाद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। आपको बता दें कि इस पूरे मैच के दौरान शुरुआत से ही टीम इंडिया अपने आक्रामक अंदाज में नजर आई और इस अंदाज को क्योंकि टेस्ट मैचेस में जिस तरह की रणनीति अमूमन रहती है उससे कुछ अलग यहां पर देखने को मिला था और शुरुआत में फॉलो ऑन खिलाया गया जिसके बाद ये फैसला काफी हद तक बिल्कुल सही साबित हुआ और इसके बाद पुणे टेस्ट मैच में भारत की विराट जीत, दक्षिण अफ्रीका को पारी और 137 रन से हराया जिसमें टीम इंडिया ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि विश्व चैंपियन बनने की राह में कोई रोड़ा नहीं है टीम इंडिया के सामने। और आपको बता दें कि लगातार टीम इंडिया जिस तरह से दबाव बनाकर चल रही थी 2008 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ फॉलो ऑन खेला। इससे इस बीच 2008 से लेकर ये 2019 तक कोई क्रिकेट टीम उन्हें फॉलो ऑन नहीं खिला सकी थी और टीम इंडिया ने फॉलो ऑन खिलाया और उसके बाद एक बड़ा अंतर एक पारी और 137 रन से हराया टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को। लगातार पूरे मैच में टीम इंडिया ने अपनी बढ़त बनाकर रखी और इस बढ़त के बाद टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बड़े अंतर से हराया।